दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने हाल फिलहाल में इन्वर्टर की बैटरी में पानी डाला और वो एकदम से बैटरी 3-4 दिन बाद ही ख़राब हो गई? तो अब मैं उसका कारण बताता हूँ और अब मैं आपको ये भी बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि आपको बैटरी के अंदर पानी कब डालना चाहिए। अब मैं आपको उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि आपने जब असल में पानी डाला होगा तब बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसलिए वाटर का लेवल इसके अंदर कम होगा। बट जब ये बैटरी चार्ज होगी, आपने क्या करा, इसको डिस्कनेक्ट करा इन्वर्टर से और इसमें धड़ाधड़ पानी भर दिया इसके सेलों के अंदर। बट हुआ क्या, वो बैटरी उस टाइम डिस्चार्ज थी, इसलिए जब वो चार्ज होने लगी तो ये जो अंदर लिक्विड था वो खोलने लगा और वो बाहर स्पिल आउट हो गया, क्योंकि पहले इसमें लेवल कम था, अब एकदम से वो लेवल बढ़ा तो वो डिस्चार्ज हो गया, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रेविटी थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो कम हो गई और इसकी वजह से बैटरी ख़राब हो गई। अब आपने क्या करना है, जब भी आप बैटरी में पानी डालें तो आपको ये देखना है, इन्वर्टर के अंदर एक सिंबल आता है चार्जिंग का, अगर वो सिंबल ग्लो नहीं कर रहा तो फिर उसको डिस्कनेक्ट करें और फिर आप इन सेल्स को पानी से भर सकते हैं। और ध्यान रखें, कभी भी टैप वाटर यूज़ ना करें, इसके लिए स्पेशली DM वाटर यूज़ करें, या फिर आप अगर सस्ते में जाते हैं तो आप AC से निकलने वाला पानी भी डाल सकते हैं। बट हमेशा जब भी इसमें कोई भी वाटर डालें, चाहे टैप वाटर चाहे DM वाटर, हमेशा TDS मीटर से मेजर कर के डाले और उसका TDS 10 से कम होना चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा हुआ तो वो हमारे बैटरी की सेपरेटर प्लेट्स को ख़राब कर सकता है। और हमेशा याद रखें कि आपको बैटरी के अंदर पानी तभी डालना है जब वो चार्जिंग वाला जो सिंबल है वो ग्लो नहीं हो रहा होगा इन्वर्टर के अंदर, क्योंकि अगर हम ये डिस्चार्ज होगी बैटरी तो इसमें लिक्विड का लेवल कम होगा और फिर जब ये चार्ज होगी तो लिक्विड खोलेगी और वो जो पानी है वो बाहर स्पिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी नीचे चली जाएगी और आपकी जो बैटरी है वो ख़राब हो जाएगी परमानेंटली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।